फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की क्लास आपकी है कारपेंटर फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। तो हम आज से आपकी कारपेंटर की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि विच टाइप ऑफ पीपीई इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन फॉर ऑफ लेग्स। पैरों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार का पीपीई आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए, चप्पल तो आपकी एक नॉर्मल हो जाती है, ठीक, चप्पल आपकी इसमें कोई सुरक्षा के लिए नहीं है, ठीक है। घर में आप चलते हो, फर्श पे चलते हो या फिर मिट्टी पर चलते हो, तो आप चप्पल उसमें पहन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नॉर्मल यूज़ के लिए चप्पल यूज़ की जाती है, ठीक है। बात की गई है यहाँ पर पैरों की सुरक्षा की, तो यहाँ आपके सुरक्षा जूते यानी कि सेफ्टी सूज हम यूज करेंगे, ठीक है। सेफ्टी सूज यूज किए जाते हैं, ठीक है डियर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ वुड हैज़ ब्रॉड लीव्स। किस प्रकार की लकड़ी में चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, किस प्रकार की लकड़ी में चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, तो ये होता है आपका हार्ड वुड, ठीक है। हार्ड वुड में चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट्स। दोषों का नाम क्या है, ये आपको दिया है लकड़ी, ठीक है, बुड दी है और इसमें पूछा है कि दोष का नाम क्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ये आपका रिंग गर्ल्स, ठीक है। रिंग गर्ल्स ये आपके हो जाते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये आपके रिंगल्स हैं, ठीक है। चलिए, स्टील रूल में एक फिट कितने इंचों से बनता है। स्टील रूल में जो एक फिट बनता है, ये बनता है 12 इंचों से, ठीक है। 12 इंच का एक फिट होता है, ओके। चलिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल। चीजल का नाम क्या है, ये आपको चीजल दी है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि इसका नाम क्या है। चीजल क्या होता है हिंदी में, हम उसे आम भाषा में बोलते हैं छेनी, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है चीजल, ओके। तो ये आपसे पूछा है कि किस प्रकार की चीजल है, तो देखिए ये हो जाएगी आपकी जो ये पारिंग चीजल होती है ना, ये आपकी पारिंग चीजल है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो आपको यहाँ दिया है, ये आपकी चीजल इसमें हो जाती है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लग प्लेन। प्लग प्लेन का क्या फ़ायदा है, प्लग प्लेन का क्या फ़ायदा है, तो ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो एक एडवांटेज होता है, ये होता है कि जो प्लानिंग फॉर ग्रुप्स होते हैं, यानी कि ग्रुप को प्लान करना, इसका ये बेनिफिट होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर जाएगा, ठीक है डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 7 और पूछा है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पोर्टेबल पावर प्लानिंग मशीन। पोर्टेबल पावर प्लानिंग मशीन का क्या फ़ायदा है, तो पोर्टेबल पावर मशीन का जो एक एडवांटेज होता है, ये होता है आपका कि लकड़ी की जो सतह होती है, सरफेस होता है, उसको चिकना करना, ठीक है। स्मूथ सरफेस ऑफ वुड, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है 8 और पूछा है कि व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ टैक हैमर। टैक हैमर की क्या विशेषता है, टैक हैमर की क्या विशेषता होती है, जो आपका थोड़ा ये चुंबकीय होता है, ठीक है, स्लाइट मैग्नेटिक होता है, ये इसकी एक विशेषता होती है, किसकी, टैक हैमर की। तो बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपको जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है 9 और पूछा है कि विच इज यूज ऑफ टू होल्ड द जॉब वाइल स्विंग। किसका उपयोग स्विंग करते समय जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, तो देखिए किसका समय स्विंग करते समय जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। जब जॉब आप बनाते हो तो जॉब को क्या पकड़ता है, जिससे कि जॉब हिले ना बिल्कुल भी। देखिए, अगर जॉब हिलेगी तो अच्छे से नहीं बनेगी, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं खुदरा रह जाएगा या फिर टेढ़ी रह जाएगी,
तो क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से जकड़े रहे जॉब को, ऐसी क्या चीज़ है? तो ये हो जाती है आपकी वेंच हुक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीजनिंग, सीजनिंग का नाम क्या है, ये आपको दिया है डायग्राम, ठीक है, देख लीजिए। ये आपको बताना है कि सीजनिंग का नाम क्या है। तो देखिए ये कौन सी सीजनिंग है, ये हो जाएगी आपकी एयर सीजनिंग, ठीक है डियर। ए ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा, एयर सीजनिंग बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट, जॉइंट का नाम क्या है, ये आपको एक जॉइंट दिया गया है, किस प्रकार का जॉइंट है ये आपको पहचानना है और बताना है। तो ये हो जाता है आपका साधारण बट जॉइंट, यानी कि सिंपल बट जॉइंट, इसका राइट आंसर आपका जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन है 12 और पूछा है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेबल स्काफ जॉइंट, टेबल स्काफ जॉइंट का क्या उपयोग है। टेबल स्काफ जॉइंट का जो उपयोग होता है ये होता है इंक्रीजिंग लेंथ, लंबाई को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन प्लाईवुड, प्लाईवुड में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये क्या है। ये देखिए एक तो हो जाता है आपका ये वाला जो टच हो रहा है ना इससे, और ये जिसमें मतलब इस तरह से ये लाइनें खींची हुई हैं, ठीक है, ये वाला भाग आपसे पूछा है। वो पहले मैंने उसमें लाइन खींच दी थी तो मुझे अच्छे से यहाँ से दिखाई नहीं दिया, तो ये वाला भाग आपसे पूछा है कि ये क्या हो जाता है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन दिए हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका क्रॉस बैंड, ये आपका यहाँ हो जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर आपका जाएगा, क्रॉस बैंड, ठीक है। क्वेश्चन है कि सनमाइका का क्या फ़ायदा है। अब देखिए आपके घरों में कोई काम होया होगा यानी कि लकड़ी का, तो उसमें पूछा होगा कि सनमाइका का क्या काम है, जैसे कि किवाड़ बनते हैं और खिड़कियां बनती हैं तो उसमें आपकी सनमाइका लगाई जाती है, या मेज वगैरह उसमें जो भी लकड़ी का सामान बनता है तो उसमें सनमाइका यूज की जाती है। तो इसका जो मतलब होता है ये होता है कि सुंदर दिखाना, एक चमक उसमें ले आना, एक अच्छी सी सुंदरता उसको लेके आना, ठीक है, ये सनमाइका का काम होता। क्वेश्चन 15 है कि फर्नीचर खाट के कार्य के लिए साल लकड़ी का उपयोग क्यों किया जाता है। अब देखिए साल लकड़ी की बात यहाँ की गई है तो मैं बता दूँ आपको कि खाट के कार्य के लिए साल की लकड़ी क्यों उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, साल की लकड़ी जो होती है वो बहुत मजबूत होती है। अब खाट कोई ऐसी तो है नहीं कि हाँ कोई भी हल्का फुल्का सामान रख दो कि उस पर, अब जब आप बैठते हो तो आप सिंगल भी बैठ सकते हो, दो चार और बैठ सकते हैं, तो उसका वजन संभालने के लिए एक मजबूत लकड़ी की आवश्यकता होती है। जो साल की लकड़ी होती है बहुत मजबूत होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वोट इज़ हार्ड एंड हैवी, लकड़ी कठोर और भारी होती है, ठीक है, कठोर दिया है यानी कि मजबूत और भारी होती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन है 16 और पूछा है कि कंप्यूटर फर्नीचर बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यक प्रॉपर्टी क्या है, भाई प्रॉपर्टी यानी कि गुण क्या है लकड़ी की, आवश्यक गुण जो होते हैं कंप्यूटर फर्नीचर बनाने के लिए, तो ये कौन से गुण इसमें होने चाहिए। तो भाई ये होता है आपका वेटर इंसुलेटिंग, यानी कि बेहतर इंसुलेटिंग इसमें चाहिए होती है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है और पूछा है कि बढ़ई द्वारा किस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। जो पेचकस होता है आपने देखा होगा आपके घर पे होगा पेचकस, उसे स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जो स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं कारपेंटर, ये होता है लंदन पैटर्न स्क्रू ड्राइवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। लंदन पैटर्न स्क्रू ड्राइवर यूज किया जाता है, जो बढ़ई के द्वारा यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है स्मॉल टेबल टॉप रेल में कौन सा जोड़ मजबूत होता है। स्मॉल टेबल टॉप रेल में कौन सा जोड़ मजबूत होता है, तो अब जोड़ की बात की गई है तो ये होता है आपका हंज्ड मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन है 19 और पूछा है कि एमडीएफ बोर्डों का लाभ क्या है। एमडीएफ बोर्डों का जो एक एडवांटेज होता है, बेनिफिट होता है, ये होता है आपका लेस एक्सपेंसिव, यानी कि कम महंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 20 और पूछा है कि सामान्य पेंच उद्देश्य के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। सामान्य जो पेंच होता है उसको कसने के लिए किसका, कौन से स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। ये जो पेंच आपको दिया गया है आपने देखा होगा, ठीक है, तो इसे किसी लकड़ी में या फिर किसी लोहे के चीज़ में इसको कसने के लिए, इसको फिट करने के लिए कौन से स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है आपका काउंटर संक प्लांट हैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा, काउंटर संक फ्लैट हैंड, ये आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन दिया है कि वेयर इज पॉलिश अवॉइडेड, पॉलिश कहाँ नहीं किया जाता। तो पॉलिश जहाँ नहीं किया जाता है वो होती है खुदरी सतह। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका जाएगा, खुदरी सतह पर पॉलिश नहीं किया जाता। ठीक है, चिकनी पर आप अच्छे से पॉलिश कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन है 22 और पूछा है कि वुड की फिनिश का उपयोग अनुप्रयोग क्या है। वुड की फिनिशिंग का अनुप्रयोग क्या है, तो जो लकड़ी होती है, लकड़ी की फिनिश का अनुप्रयोग जो होता है ये होता है पॉलिश। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर जाएगा। भाई देखिए, लकड़ी पे जब तक, मान लीजिए आप कोई मेज बना रहे हो, लकड़ी का कलर ऐसा होता है, ये आपने देखा है ब्राउन कलर की होती है लकड़ी। ठीक है, अब आप मेज को ऐसे ही बना के रख दोगे, ठीक है, वो चिकनी आपने कर ली है, ठीक, उसके बाद उस पर पेंट या पॉलिश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी उसमें एक चमक, एक लुक आता है। ठीक है, क्वेश्चन है कौन सा स्टेन आसानी से लगाया जा सकता है और ग्रेन को रेज नहीं की करता है। कौन सा स्टेन आसानी से लगाया जा सकता है और ग्रेन को रेज नहीं करता है, तो ये होता है आपका ऑयल स्टेन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा, ऑयल स्टेन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन है कि बैंड सा मशीन के साइज का निर्धारण कौन करता है। तो बैंड सा मशीन के साइज का निर्धारण जो करता है ये होता है आपका डायमीटर ऑफ द व्हील्स, पहियों का व्यास। ठीक है, सर्कुलर सा मशीन का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो सर्कुलर मशीन का जो आधार निर्धारित होता है, यानी कि आकार जो निर्धारित होता है, ये होता है आपका वृत्ताकार ब्लेड के अधिकतम व्यास के द्वारा। ठीक, डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा कि मैक्सिमम डायामीटर द सर्कुलर ब्लेड। ठीक है, वृत्ताकार ब्लेड के अधिकतम व्यास के द्वारा क्या होता है, मशीन का आकार निर्धारित होता है। ठीक, क्वेश्चन है 26 और पूछा है कि बैंड सा मशीन के सोइंग को सपोर्ट करने के लिए किस मशीन, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, पुश स्टिक का उपयोग यहाँ हम करते हैं, पुश स्टिक बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन है थिकनेस प्लेनर में कौन से सुरक्षा सावधानियाँ पालन करना चाहिए। थिकनेस प्लेनर में कौन सी सुरक्षा सावधानियाँ उपयोग पालन करनी चाहिए। ठीक, तो ये जो सुरक्षा सावधानियाँ इसमें होती हैं, ये होती है आपकी नेवर बेंड डाउन द टू लुक वाइल्ड रनिंग, कि मशीन चलते समय कभी भी देखने के लिए नीचे ना झुकें। ठीक है, डी ये आपका यहाँ राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन है कि सरफेस प्लेनर में आउटफिट टेबल को कैसे बनाए रखें। सरफेस प्लेनर में आउटफिट टेबल को कैसे बनाए रखें, तो ये हो जाएगा यहाँ आपका कि चेक द प्रॉपर अलाइनमेंट, की उचित संरेखण की जांच करें। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ आपका जाएगा। क्वेश्चन है 29 और पूछा है कि वुड टर्निंग लेंथ में डेड सेंटर का उपयोग क्या है। डेड सेंटर का उपयोग आपसे पूछा है, तो ये होता है कि होल्ड द बर्क, कार्य को पकड़ना इसका कार्य होता है। मोटाइजिंग मशीन के लिए किस आकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। मोटाइजिंग मशीन के लिए किस प्रकार की छेनी का, यानी कि चीजल का प्रयोग किया जाता है,
तो ये होती है वर्ग चीजल यानी कि स्क्वायर चीजल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका कि यदि D1, D2 और लंबाई क्रमशः 0.5 मीटर, 0.7 मीटर और 10 एम हो तो लॉन्ग का वैल्यू वॉल्यूम की गणना करें। तो लॉन्ग का वॉल्यूम की गणना करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यहाँ राइट आंसर आपका जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 32 और पूछा है कि वो टर्निंग लेंथ में डेड सेंटर के बिंदु पर मोम क्यों लगाया जाता है। तो इसके बिंदु पर यानी कि सेंटर पर जो मोम लगाया जाता है, ये लगाया जाता है कि जब जॉब आपकी घूमती है तो वो आसानी से घूम जाए। ठीक है, यानी कि जॉब रोटेटिंग स्मूथली, जॉब आसानी से घूमती है। ठीक है, क्वेश्चन है 33 और पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोर बैग्स, इस कोर बैग्स का नाम क्या है। डायग्राम आपके सामने दिए हैं और पूछा है कि कौन सी कोर बैग्स है, तो ये आप बताएंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। तो ये हो जाएगी आपकी स्ट्रिकल कोर बॉक्स। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 34 और पूछा है कि कौन सी लकड़ी का उपयोग डोबेल द्वारा किया जाता है, कौन सी लकड़ी का उपयोग डोबेल द्वारा किया जाता है। तो ये होती है बोम्बो, मतलब कि बांस का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है 35 और पूछा है कि हेक्सा में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। ये हेक्सा दिया गया है आपको और इसकी जो आगे वाली ये बिट होती है, ये वाली, ये पूछा है कि ये कौन सा भाग है। ठीक है, तो ये कौन सा भाग हो जाएगा, ऑप्शन दिए हैं बताइए। ये हो जाएगा आपका विंग नट। ठीक है, विंग नट इसका राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टूल इज यूज्ड फॉर स्क्रिबिंग सर्कल्स एंड आर्कस, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग सर्कल और आर्कस को स्क्राइब करने के लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, ये होता है कि डिवाइडर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिवाइडर का जो प्रयोग किया जाता है सर्कल्स और आर्कस को स्क्राइब करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है 37 और पूछा है कि फाइल की गई सतह को क्षति से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फाइल की गई सतह को क्षति से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका वॉइस क्लिप। ठीक है, वॉइस क्लिप का यहाँ प्रयोग किया जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक, क्वेश्चन है 38 और पूछा है कि इस शेयर का नाम क्या है। ये आपको एक शेयर दिया है और ये पूछा है कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम जो है ये हो जाएगा एविसन शेयर, एविसन शेयर ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 39 और पूछा है कि इस स्टैक का नाम क्या है। देखिए ये दिया है आपको, इस ये एक स्टैक है, पूछा है कि ये कौन किस प्रकार का स्टैक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा हैटेच स्टैक। ठीक है, हैचेट स्टैक ये आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है और पूछा है कि हाफ मून स्टैक का क्या लाभ है, हाफ मून स्टैक का क्या लाभ है। ये हो जाएगा टर्निंग अप फ्लैंगस ऑन मेटल डिस्क डाइस, कि धातु डिस्क पर फ्लैंगस की टर्निंग करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है और पूछा है कि उन घटकों के लिए क्या विकास विधि लागू की जाती है जो एक शीर्ष पर टेपर किए जाते हैं। कौन सी विधि लागू की जाती है जो एक शीर्ष पर टेपर किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका रेडियल लाइन विधि। ठीक है, रेडियल लाइन मेथड यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा।
क्वेश्चन है 42 और पूछा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। कौन सा भाग एक्स के रूप में चिन्हित है? तो देखिए ये वाला जो भाग आपको दिया है ये एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग आपको दिया है ये पूछा है कि ये कौन सा भाग है, इसे क्या कहा जाता है? तो बताइए ये हो जाता है आपका ब्रेस। ठीक है, ब्रेस इसका राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन है कि किंग पोस्ट के लिए इकोनॉमिक स्पेन रेंज क्या है? इकोनॉमिक स्पेन रेंज क्या है ये आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा कि 5 से 8 मिमी, यानी कि मिमी नहीं, 5 से 8 मीटर इसकी इकोनॉमिक स्पेन रेंज होती है। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम चैनल का गुण क्या है? एल्यूमिनियम चैनल का क्या गुण है ये आपसे पूछा है, तो ये होता है आपका नॉन मैग्नेटिक, गैर चुंबकीय। ठीक है, क्वेश्चन है 45 और पूछा है कि दरवाजे की चौड़ाई और दरवाजे की ऊंचाई h के बीच क्या संबंध है? तो भाई दरवाजे की चौड़ाई और ऊंचाई h के बीच क्या संबंध है ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कि h इंटू विड्थ प्लस 1.2m, यानी कि चौड़ाई प्लस 1.2m इसका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा आपका। क्वेश्चन है 46 और पूछा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ ओपनिंग फॉर डेस्टिनेशन 8DS20 इनडोर इन mm, तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर जाएगा ये आप कैलकुलेशन कर लेना, इसका जो राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, 800 × 200, 2000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 47 और पूछा है कि एल्यूमिनियम विंडो का लाभ क्या है? एल्यूमिनियम विंडो का क्या लाभ है? तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी दिया है यहाँ, बिल्कुल राइट आंसर दिया है कि लेस एक्सपेंसिव देन वुडन विंडो, कि लकड़ी की खिड़की से कम खर्चीला, लकड़ी की खिड़की से कम खर्चीला यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 48 और पूछा है कि किस प्रकार की निर्माण सामग्री सफेद चींटियों के क्षय को रोकता है? सफेद चींटियों के क्षय को रोकता है कौन से प्रकार की सामग्री होती है? ठीक है, तो ये होती है आपकी पीवीसी। ठीक, पीवीसी जो सामग्री है ये सफेद चींटियों के क्षय को रोकता है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ए ऑप्शन जाएगा, पीवीसी। क्वेश्चन है 49 और पूछा है कि निर्माण क्षेत्र में पीवीसी का उपयोग करने का क्या फायदा है? तो पीवीसी का उपयोग करने का जो यहाँ एक एडवांटेज हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लो कॉस्ट की कम लागत, इसका राइट आंसर आपका जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है कि चिनाई कार्य में किस कील नेल का उपयोग किया जाता है? भाई चिनाई आपने देखा होगा आपके घर में आस पड़ोस में हुई होगी, तो उसमें किस प्रकार के कील का या नील का उपयोग किया जाता है, जो कील होती है किस प्रकार की कील का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी कंक्रीट कील। ठीक है, या कंक्रीट नेल, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ राइट आंसर जाएगा। ठीक है डियर, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और कारपेंटर वाले छात्रों को जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको क्लास शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और हमारी वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, www.missncbt.com, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ से आप अपने सिलेबस की, अपने ट्रेड के जो मटेरियल है, थ्योरी का, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, ये सभी PDF आपको उस पर वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ठीक है, यही आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से बिल्कुल आसानी से जा सकते हो।